सदावत्सल्य मातृभूमि, हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो आज ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है हिजाब विषय को लेकर। हम सब जान ही रहे थे कि हिजाब विषय पर बहुत सारा द्वंद्व उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान हुआ। उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान जो हिजाब विवाद आया, हिजाब विवाद जानबूझकर पहले केरला से उठाया गया, केरला हाईकोर्ट से उसका जजमेंट आया, केरला हाईकोर्ट से एक ऑर्डर आने के बाद वो कर्नाटक में उठाया गया, जबरदस्ती उठाया गया। उसके सब ने हमने उसकी जानकारियां हमको मिली होंगी कि कर्नाटक में वो जबरन उठाया गया था। वही लड़कियां जो लगातार स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर जा रही थीं और वो वहां गईं, इस बात का हाईकोर्ट में भी जवाब आया है। हाईकोर्ट में भी आया है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशनें उसको फंडिंग कर रही थी और कौन सी ऑर्गेनाइजेशनें इसको उठाना चाहती थी। मैंने उस समय भी कहा था कि इसका मेन उद्देश्य एक है, बिल्कुल सिंपल है, और वो मेन उद्देश्य ये है कि मामला उत्तर प्रदेश में उठाया जाना था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर ये मामला उठा दिया जाता है सही से, तो फिर आप ये मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ पोलराइजेशन होना स्वाभाविक है। जैसे मैंने उस समय भी कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने बिल्कुल साफ कहा, डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि सब जगह कुरीतियां होती हैं और उनमें रिफॉर्म आते हैं। बस कुरीतियां हिंदू समाज में भी हैं, लेकिन हिंदू समाज की कुरीतियों की खास बात यह है कि उनका एक वर्ग स्वयं उसका विरोध करना शुरू कर देता है और विरोध इस हद तक जाता है कि कुरीतियों पर सुधार रिफॉर्म आना शुरू हो जाता है। कुछ समय उसका विरोध होता है और विरोध होने के बाद उस पर रिफॉर्म आ जाता है और हिंदू समाज सहजता से उस रिफॉर्म को स्वीकार कर लेता है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जब मुसलमानों में कुरीतियां आती हैं और उन कुरीतियों को समय अनुसार रिफॉर्म की आवश्यकता पड़ती है तो मुसलमान उस पर कट्टर हो जाता है और कट्टर होने के बाद उस पर विवाद करना शुरू करता है और कहना शुरू करता है कि इस्लाम खतरे में है। और इस्लाम खतरे में है यानी कि इस्लाम इतना कमजोर है, इस क्रिटिकल सिचुएशन पर रहता है कि वो सदैव खतरे में ही रहता है और इस्लाम खत्म हो जाएगा ऐसा वो आह्वान करता रहता है, इसलिए वो उस पर रिफॉर्म का लाने को तैयार नहीं होते। मुल्ला मौलवी उस पर विद्रोह कर देते हैं और विद्रोह का स्तर इस स्तर तक जाता है कि फाइनली जो गवर्नमेंटें हैं संसार की वो एक समय उसको स्वीकार कर लेती हैं या फिर वो कहीं बीच का रास्ता निकाल लेती हैं। नतीजा निकलता है कि उस पर रिफॉर्म नहीं आ पाता, ये डॉक्टर अंबेडकर स्वयं अपने वक्तव्य में कहते रहे हैं। यहाँ पर भी चूंकि मुसलमानों का पोलराइजेशन ऐसा माना गया था कि मुसलमानों का पोलराइजेशन हो जाएगा और बिहार की तर्ज पर MY समीकरण यानी कि उत्तर प्रदेश में MY समीकरण अगर अप्लाई हो जाता है और एक दो जातियां और साथ में आ जाएं तो फिर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को गिराया जा सकता है। ऐसा MY से मतलब है मुस्लिम, यादव और एक दो और जातियां जैसे मौर्य को आकर्षित करने की कोशिश की गई थी और परिणाम हमने सबने देखा कि उस एक मौर्य के चक्कर में सारे मौर्य प्रदेश से हार गए और जहाँ जहाँ मौर्य खड़े थे हिंदू समाज ने उसका मतलब पूरे देश ने उसका विरोध कर दिया। मौर्यों के अगेंस्ट में ही मौर्यों ने वोट डाल दिया और केवल एक मौर्य जीत कर आया, दोनों तरफ से कोई मौर्य या शाक्त जीत कर नहीं आया। ये हिंदू समाज है और उनकी चाल इसमें विफल हो गई, जिस मौर्य की वजह से यानी कि जो मौर्य BJP छोड़कर गया था और उधर शामिल हुआ था वो मौर्य खुद भी चुनाव हार गया, स्वामी प्रसाद स्वामी बनकर रह गया और वो जड़ से समाप्त हो गया। इसने एक और सीख दी कि जाति समीकरण के आधार पर योगी आदित्यनाथ जी को नहीं रोका जा सकता, जाति समीकरण के आधार पर हिंदू रिफॉर्म को नहीं रोका जा सकता, जाति समीकरण के आधार पर देश के विकास को नहीं रोका जा सकता, जाति समीकरण के आधार पर हिंदू राष्ट्र के बनने की सब बनने को नहीं रोका जा सकता। ये बिल्कुल क्लियर और साफ हो गया इस बार। अब सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि हिजाब इशू उठाकर MY समीकरण को स्ट्रॉन्ग करके वोट पड़े, हालांकि इसका फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ, उनका वोट परसेंटेज बढ़ा। दूसरी जो मुस्लिम पार्टियां थीं जैसे MIM की बात करें तो वो निपट गई,
यहाँ तक कि सलमान खुर्शीद, जो मुसलमानों के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, सलमान खुर्शीद जिन्होंने हिंदू टेरर की बात कही थी, सलमान खुर्शीद की पत्नी की फर्रुखाबाद सदर विधानसभा से जमानत जब्त हो गई। आप सोच के देखिए, 1200 वोट, इतने बड़े राष्ट्रीय लीडर, उनको 1200 वोट मिले विधानसभा में, तो आप समझ सकते हैं कि समाज क्या करना चाहता है। और मुसलमान ने पोलराइज होकर, हिजाब विषय की वजह से पोलराइज होकर वोट अखिलेश यादव को दिया। ये जो अखिलेश करना चाहते थे वो हो गया। लेकिन हिजाब के मामले में कर्नाटक में पिटीशन पड़ी थी, कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रेम फसाए ये ऑर्डर किया था कि सरकार का जो ऑर्डर आया है, यानी कि वहाँ की राज्य सरकार ने कर्नाटका एजुकेशन एक्ट के रूल्स के तहत कोड, यानी कि ड्रेस कोड कंपलसरी कर दिया था, और ये कहा था कि ड्रेस कोड प्रदेश में लागू होगा, सभी स्कूल अपने अपने हिसाब से अपने यहाँ ड्रेस कोड बना सकते हैं। स्कूलों को ये अनुमति दी गई थी, स्कूलों को ये पावर दे दी गई थी, लेकिन ड्रेस कोड लागू करें ऐसा ऑर्डर हो गया था। वही ऑर्डर चैलेंज भी हुआ था, तो उसके चैलेंज होने पर ये पूछा गया था, ये कहा गया था कि साहब ये रिलीजियस राइट है, और रिलीजियस राइट तो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया हुआ है। कुछ इलस्ट्रेशन भी दिए गए थे कि साउथ अफ्रीका की एक कोर्ट ने वो जो नाक में नथुनी हिंदू महिला पहनती थी उसको भी पार्ट ऑफ रिलीजन माना था, और ये कहा था कि इसको पहनने दिया जाए। ऐसे बहुत सारे इलस्ट्रेशंस दिए गए थे, मलेशिया के कोर्ट के, इंडोनेशिया के कोर्ट के इलस्ट्रेशंस दिए गए थे, और ये कहा गया था हिजाब इज द पार्ट ऑफ रिलीजन और ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25 का। तो जो जो वहाँ चैलेंज हुआ वो आर्टिकल 14 था, वो आर्टिकल 15 था, वो आर्टिकल 19 था, वो आर्टिकल 25-26 था, और आर्टिकल 51 कैपिटल ए था। ये इन आर्टिकल्स के तहत, आर्टिकल 226 और 227 के तहत वो चैलेंज किया गया था, और कहा गया था राज्य सरकार रिलीजन में इंटरवेंशन कर रही है और ये हमारा रिलीजियस राइट है। मैंने आपको कहा ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, क्योंकि कुछ संस्थाओं ने उसकी फंडिंग की थी और उन संस्थाओं ने फंडिंग करके ये हिजाब इशू उठवाया था। टीवी चैनल्स पर भी हिजाब इशू बाकायदा बहुत अच्छे बड़े स्तर पर उठाया गया था, और इस पर भारत में तथाकथित बुद्धिजीवियों ने अपनी राय देना शुरू कर दिया था और ये कहना शुरू कर दिया था कि नरेंद्र मोदी इज़ डिवाइडिंग इंडिया, नरेंद्र मोदी इंडिया डिवाइड कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी आर क्रैशिंग द मुस्लिम सोसाइटी। ये सब डिबेट का पार्ट हो गया। कर्नाटक फाइल्स मूवी आप देख ही रहे हैं, मैं उस पर इंटरप्रिटेशन भी कर चुका हूं और उसका एक और रिव्यू मैं आपको दूंगा, क्योंकि आवश्यकता मुझे महसूस हुई कि कश्मीर फाइल्स पर एक और रिव्यू देना चाहिए जो रिलीज होने के बाद जो घटनाक्रम आया, इसलिए मैं उस पर दूंगा। कश्मीर फाइल्स आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो बिल्कुल 100% देखनी चाहिए, आपको देखना चाहिए कि वर्तमान में इतिहास कैसे गुजरा होगा भारत का, वर्तमान में कैसा इतिहास रहा होगा। वर्तमान का इतिहास शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी कि आप मुगलिया सल्तनत, आप अफगान सल्तनत, आप इस्लामिक इन्वेशन को महसूस कर सकते हैं कल कश्मीर फाइल्स में, और आधुनिक भारत में स्वतंत्रता के बाद जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंटें बनने लगी, जब सेकुलरिज्म भारत में आ गया, जब भारत संविधान से चलने लगा, तब कैसे मिलिटेंसी शब्द इस्तेमाल किया गया। मिलिटेंसी का मतलब, मिलिटेंट का मतलब होता है रिफॉर्म लाना, आप सोच सकते हैं कि रिफॉर्म लाना। अब उसको आतंकवादी कहने की बजाय, उसको टेररिस्ट कहने की बजाय, हमारे यहां तथाकथित बुद्धिजीवियों ने जो जेएनयू में पैदा होते हैं, जो एमयू में पैदा होते हैं, वो जादवपुर यूनिवर्सिटी में पैदा होते हैं, जो अपने आप को कॉम्युनिस्ट कहते हैं, जो अपने आप को मॉडरेट मुस्लिम कहते हैं, उन सब ने मिलकर एक शब्द बहुत पॉपुलर कर दिया और वो शब्द था मिलिटेंट, मिलिटेंसी। मिलिटेंट या मिलिटेंसी का मतलब होता रिफॉर्म, यानी कि ये आतंकवादी नहीं थे, ये रिफॉर्मिस्ट थे, ये सिस्टम का विरोध कर रहे थे, ये सिस्टम से असहमत नहीं है, ये सिस्टम के विरुद्ध नहीं है, ये सिस्टम से असहमत हैं, इसीलिए मिलिटेंसी वहां पर आई। हाईकोर्ट ने उसी शब्द का इस्तेमाल अपने ऑर्डर में भी कर दिया, लेकिन शब्द सही इस्तेमाल किया। डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबली डिबेट में कहा था कि
वी हैविंग अ हेट्रोजीनियस सोसाइटी एंड वी हैव टू मेक द होमोजीनियस सोसाइटी, वी वॉन्ट टू रिफॉर्म इंडिया, हम भारत को रिफॉर्म करना चाहते हैं, भारत में कुछ करना चाहते हैं, भारत को प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो भारत में होमोजीनियस सोसाइटी बनानी पड़ेगी, भारत में हेट्रोजीनियस सोसाइटी खत्म करनी पड़ेगी, और हेट्रोजीनियस सोसाइटी का ही परिणाम निकला था कि पाकिस्तान बना था। तो फिर होमोजीनियस सोसाइटी का मतलब है भारत में एक तरह से एक विचार को एक प्रकार से सोचने वाले लोग चाहिए जो भारत को रिफॉर्म ला सकें। अब एक प्रकार से कैसे सोचेंगे लोग, जब आप हिजाब अलग से मांगेंगे, जब आप अलग से रोड पर नमाज पढ़ना चाहेंगे, जब आप टोपी लगाकर असेंबली में जाना चाहेंगे, जब आप कोई रिलीजियस चिन्हों को दिखाना चाहेंगे, चाहे वो भगवा दिखाया जाए, भगवा के विषय में मैं बिल्कुल साफ बता दूं, हालांकि हाईकोर्ट ने भी भगवा शब्द का इस्तेमाल किया और बखूबी किया, उन्होंने कहा हिजाब या भगवा कलर के शॉल पहनकर जाना, वो जाना ये भारत में अलाउ नहीं किया जा सकता है, दैट विल रिस्ट्रिक्ट द मिलिटेंट, यानी कि दैट विल मिलिटेट, दैट विल नॉट मिलिटेट, यानी कि वो रिफॉर्म नहीं होने देगी अगर इसमें इस तरह के काम आप करेंगे तो। अब देखिए कोर्ट ये कहता है इस मामले में कि भगवा, तो भगवा के विषय में कुछ लोग कहते हैं भाई आप भी भगवा पहनते हैं, आप ये बहुत अतिवादी हो गए हैं, आप कट्टरपंथी हो गए। भाई हम डिफेंसिव हैं, हम तो ये रिटेलिएशन में करते हैं, रिटेलिएशन मतलब जब आप जबरदस्ती हिजाब पहन कर आएंगे तो हम भगवा पहन के, मैंने उस दिन जिस दिन हिजाब का इशू आया था उसी दिन मैंने ये आइडिया देश को दिया था कि आप भगवा पहनकर वहां पर जाइए तब ये इशू सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा ये हुआ कि वो लेक्चर अपना खूब वायरल हुआ और दूसरे तीसरे दिन ही, जैसे ही वो वायरल हुआ और हिजाब इशू आया था उसके तीसरे दिन ही भगवा पहनकर बच्चे स्कूल जाने लगे और मामला यहां तक आ गया कि अब भगवा वर्सेस ये हो गया और अब ये कहा जाने लगा कि भाई भगवा पहनकर आप हमको चिढ़ा रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं और फला 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 पता नहीं क्या क्या। बात तो ठीक है, तो भगवा जब हम पहनते हैं या हम उसका रिटेलिएशन जब करते हैं, क्योंकि हमको ये समझ में आता है कि लोहे का काट लोहा है, एक तरफ आप ये करेंगे तो कहेंगे रिलीजियस राइट है, तो फिर हम कहते हैं हमारे राइट है, तो आप कहते हो नहीं ये आतंक है, ये सांप्रदायिक है। जैसे भारतीय जनता पार्टी को एक समय शब्द इस्तेमाल किया गया था सांप्रदायिक शक्तियां, सांप्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध जाना, सारे इकट्ठे हो गए थे, सारे इकट्ठे बंगाल में हो गए, सारे इकट्ठे लोकसभा में हो गए, सारे इकट्ठे आज भी हो जाते हैं ये कह के कि सांप्रदायिक शक्तियां। अब सांप्रदायिक शक्तियां मतलब अगर आप सांप्रदायिक रूप से भारत के सेकुलरिज्म को तोड़ना चाहेंगे और कोई एक पार्टी, कोई एक संगठन, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे वो हिंदू जागरण मंच हो, चाहे वो हिंदू महासभा हो, या फिर आप कहें कि विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल के तमाम घटक दल इस तरह के जो काम करते हैं उनके विषय में आप शब्द इस्तेमाल करेंगे कि ये जो है वो ये करते हैं, तो फिर आप समझिए जब आप करेंगे तो स्वाभाविक है कि उसका प्रति उत्तर देना पड़ेगा और जब प्रति उत्तर दिया जाता है तभी समस्या का समाधान निकलता है। हिजाब विषय पर भी ऐसा ही हुआ, अदरवाइज मुझे संभव है, ये संभव है कि इस विषय पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से हिजाब का फेवर हो जाता। जब भगवा पहन के लोग निकले तो अब सॉल्व करना है कि भगवा पहनना, तो ये हिजाब नहीं रोका, ये भगवा रोका गया है, क्योंकि हिजाब पहनकर अगर 20% लोग जाएंगे तो 80% लोग भगवा पहनकर भी जाएंगे, और जब 80% लोग भगवा पहनकर जाएंगे तो उनको रोकेंगे, तो हम कहेंगे उनको रोकना है तो उनको भी रोकिए। इसलिए ये हिजाब सॉल्व नहीं है, ये भगवा को रोकने की प्रक्रिया है, मैं उसको ऐसे इंटरप्रेट करता हूं। अब सवाल यहां पर दूसरा भी है, ये आता है कि कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 25 की चर्चा जब आप कर रहे हैं तो आर्टिकल 25 का मतलब ये हो गया कि उसमें लिखा है आर्टिकल 25 क्लॉज 2 में, आर्टिकल 25 सब आर्टिकल 2 में ये लिखा गया है कि ये, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई लॉ, कोई पॉलिसी, कोई पब्लिक ऑर्डर नहीं ला सकती। सरकार की राइट है कि वो पब्लिक ऑर्डर के लिए, वहाँ बैलेंस बनाने के लिए, वहाँ कुछ करने के लिए कानून बना सकता है, और ये कानून बनाना, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना आर्टिकल 25 से नहीं रोका जा सकता। तो फ्रीडम तो है बट सब्जेक्ट टू द
सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ इज इन इन्फोर्समेंट इन द पार्ट. इसलिए जो इन्फोर्समेंट में है वो इन्फोर्समेंट में उसके साथ आपको राइट मिलता है, उसके ऊपर राइट नहीं मिलता. यानी लॉ के ऊपर आपको रिलीजियस राइट नहीं मिलता, आपको रिलीजियस फ्रीडम लॉ के अंदर मिलती है. ये हाई कोर्ट ने उसका इंटरप्रिटेशन किया. साथ में जब साउथ अफ्रीका की वो बिंदी और नथुनी की बात कहेगी तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट कंट्रीज आर बिल्ड अप बाय डिफरेंट पब्लिक पॉलिसीज. यानी कि अलग अलग देशों के कानून अलग अलग पब्लिक पॉलिसी के आधार पर बनते हैं और वो कानून उस देश की एंशिएंट कल्चर, उस देश की सोसाइटी, उस देश का संविधान, उस देश में संविधान बनने की प्रक्रिया, ये सारे चीज़ें उसमें फैक्टर होते हैं. इसलिए इन फैक्टर्स के बीच में आप ये नहीं कह सकते कि फला देश में ऐसा हुआ तो वो हमारे देश में भी होना चाहिए. दूसरी बात उन्होंने मलेशिया की कही. उन्होंने कहा वो इस्लामिक कंट्री है, वहाँ हिजाब परमिटेड है, वो कर सकते हैं, उनकी सोसाइटी वैसी. लेकिन भारत की सोसाइटी तो ऐसी नहीं है, भारत की सोसाइटी का एंशिएंट कल्चर में ये है ही नहीं. यूनिफॉर्मिटी इज द पार्ट. तो उन्होंने कहा जो यूनिफॉर्मिटी हम लाना चाहते हैं, सेकुलरिज्म, यूनिफॉर्म सेकुलरिज्म. सेकुलरिज्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं, कोर्ट ने बड़े अच्छे से इंटरप्रेट किया. उन्होंने कहा सेकुलरिज्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक सोसाइटी को रिलीजियस राइट हो और दूसरी सोसाइटी को रिलीजियस राइट ना हो, दूसरी सोसाइटी को सेकुलरिज्म समझाया जाए और एक को रिलीजियस फ्रीडम समझाई जाए. तो उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सेकुलरिज्म होना चाहिए. अब यूनिफॉर्म सेकुलरिज्म का मतलब ये बिल्कुल साफ कोर्ट कहने की कोशिश कर रहा है कि यूनिफॉर्म सेकुलरिज्म का मतलब है कि उसके अंदर, उन्होंने कहा विद्यालयों के अंदर ये जो हिजाब की बात आप करते हैं वो परमिट नहीं किया जा सकता, ड्रेस कोड विल प्रिवेल. क्योंकि अंदर हम ये प्रयास करते हैं कि एक से बच्चे हों, एक सा मानस बने, कहीं उनकी अलग से पहचान ना हो. बहस करने वालों ने, पिटिशनर्स ने ये भी कहा कि साहब आप कलर तय कर दीजिए जो यूनिफॉर्म के साथ मैच करता हो. कोर्ट ने कहा कि यूनिफॉर्म के साथ अगर हम परमिट भी कर दें तो फिर द गर्ल्स इन यूनिफॉर्म विद हिजाब एंड द गर्ल्स इन यूनिफॉर्म विदाउट हिजाब, तो ये दो ग्रुप बन जाएंगे. वो लड़कियां जो यूनिफॉर्म में हैं लेकिन हिजाब के साथ हैं, और वो लड़कियां जो यूनिफॉर्म में हैं लेकिन हिजाब नहीं पहनती हैं, तो ये दो डिस्टिंक्ट ग्रुप बन जाएंगे और ये यूनिफॉर्मिटी के लिए खतरा है. इसलिए इसको, इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती. इसलिए हमें सेकुलर, यूनिफॉर्म सेकुलरिज्म लागू करना है. और यूनिफॉर्म सेकुलरिज्म का मतलब यह हो गया कि कोई रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है, कोई रिलीजन यूनिफॉर्मिटी के ऊपर नहीं है. बड़े अच्छे से कोर्ट ने एक्सप्लेन किया. लेकिन कोर्ट ने बहुत सारी बातें जो, जैसे मैं, मुझे लगता है कि सहमति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिफॉर्म देश में चल रहा है, रिफॉर्म आना चाहिए, उसकी टर्मिनोलॉजी भी बदलनी चाहिए. नॉट फॉर द सेटिस्फैक्शन, जो कोर्ट ने कहा कि हिजाब इज नॉट द एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम. हिजाब इस्लाम का आंतरिक अंग नहीं है, इसलिए हिजाब को हम अनुमति नहीं दे सकते. उन्होंने ये भी कहा कि हिजाब इज नॉट मेंशनड इन कुरान, इसलिए तो क्या फिर संविधान के ऊपर कुरान प्रिवेल करेगी? अगर कुरान में होता तो क्या आपको अनुमति देनी पड़ती? सवाल यह है. तो फिर जब कुरान में होता और आपको अनुमति देनी पड़ती तो क्या कुरान संविधान के ऊपर प्रिवेल करती? यह सवाल है. इसलिए मैं ये कहता हूं कि वॉट एवर इज द प्रैक्टिस इन इंडिया फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, भारत में जो भी एंशिएंट कल्चर है, खास तौर से भारत में 1000 वर्ष पीछे जाइए और 1000 वर्ष पहले की पब्लिक पॉलिसी को देखिए, जो कल्चर है उस कल्चर के अनुसार कानून बना है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है. लेकिन किसी विदेशी विधि को, किसी विदेशी कल्चर को भारत में स्थान नहीं दिया जा सकता. कैसे? अब कुछ क्रिश्चियन आएंगे, भाई ये मुसलमान है, कुछ क्रिश्चियन आएंगे, वो लहंगा पहनकर स्कूल जाएंगी. कुछ और एंग्लो इंडियन आएंगे, वो कुछ और निकर विकर पहनकर, चट्टी पहनकर जाएंगे. कुछ और दूसरे प्रकार के आदिवासी पढ़ने आएंगे तो आदिवासी पत्ते लपेट कर जाएंगे और वो मोर मुकुट पहनकर जाएंगे. भाई ये तो कहीं का
पॉइंट नहीं हो सकता ना। अब अंगोला का कोई व्यक्ति आएगा, साउथ अफ्रीका अफ्रीका का कोई व्यक्ति आएगा, या फिर वो ऑस्ट्रेलिया के किसी ऐसे स्थान का व्यक्ति या कहीं टापू में रहने वाला व्यक्ति भारत में आएगा और भारत में रिलीजियस फ्रीडम है इसलिए वो अपनी यूनिफॉर्म पहनकर विद्यालय में जा सकता है, ये कहना चाहते हैं क्या? तो इनको सबको अनुमति देनी पड़ेगी, इनको सबको देना पड़ेगा। सो वेयर इज द सेकुलरिज्म, वेयर इज द यूनिफॉर्म सेकुलरिज्म? यानी कि आप सेकुलरिज्म की जब बात करें तो दोनों पार्टियों को बराबर के हिसाब से सेकुलर रहने का अधिकार आपने दिया क्या? एक को सेकुलरिज्म दे रहे हैं, उसके सेकुलरिज्म के नाम से उसके जो रिलीजियस राइट हैं, जो उसकी रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको आप मना कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक कम्युनिटी को माइनॉरिटी के नाम से, जबकि माइनॉरिटी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको रिलीजन के नाम से राइट दे रहे हैं, तो ये क्या सेकुलरिज्म है? भारत तो सेकुलर नहीं है, इसलिए भारत में जो रिलीजन है वो घर के अंदर हो सकता है, घर के बाहर सरकारी रोड पर आप रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं कर सकते, सरकारी जगह पर, सरकारी स्कूल में, सरकारी अस्पताल में आप भारत में रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आर्गुमेंट ये दिया गया कि साहब ये तो पब्लिक प्लेस है, स्कूल पब्लिक प्लेस है और पब्लिक प्लेस पर तो रिलीजियस प्रैक्टिस की अनुमति देनी चाहिए। भाई पब्लिक प्लेस पर रिलीजन इज द इनर सिविलाइजेशन, यानी कि जो संप्रदाय है वो मेरा आंतरिक मामला है, मेरे शरीर के अंदर, मेरे मन के अंदर है, तो वो मेरे घर के अंदर होना चाहिए, मेरे घर से बाहर नहीं होना चाहिए। अगर आप ये टोपी लगाकर घूमेंगे तो कोई चोटी रखाकर भी घूमेगा, तिलक भी बड़ा सा लगाएगा और वो धोती कुर्ता भी पहनेगा और ये कलावा भी बांधेगा, सब कुछ करके चलेगा। ये सीधी सी बात है, क्यों? क्योंकि आप उसको दिखाना चाहते हैं इसलिए इसको दिखाते हैं। कहते हैं बजरंग दल वाले ये मोटे मोटे धागे पहनकर चलते हैं, ये माला पहनकर, वो इसलिए नहीं पहनकर चलते कि उनको वो पहनना आवश्यक है, वो इसलिए पहनकर चलते हैं क्योंकि आप वो कर रहे हैं, आपको काउंटर करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। आप बंद कर दीजिए, हम बिल्कुल बंद कर देंगे। तो रिलीजियस सेकुलरिज्म, यानी कि सेकुलरिज्म मस्ट बी इनसाइड ऑफ योर हाउस, इट कैन नॉट बी एन एसेंशियल पार्ट आउटसाइड ऑफ योर हाउस, आपके घर के बाहर नहीं। इसलिए आप अल्लाह से मिलना चाहते हैं, हम भगवान से मिलना चाहते हैं, कोई परमेश्वर से मिलना चाहता है, कोई ईसा मसीह से मिलना चाहता है, कोई इब्राहिम से मिलना चाहता है, कोई बुद्ध से मिलना चाहता है, कोई किसी से मिलना चाहता है, भाई मिलिए, हमें कोई समस्या नहीं, अपने घर में मिलिए, आप हमको मत मिलाइए, आप हमको अजान बजाकर मत सुनाइए, हमारे घंटे बंद कर देंगे और अजान चालू रहेगी, ऐसा कैसा सेकुलरिज्म है ये? कोर्ट ने बिल्कुल साफ तरीके से उसको डिफाइन किया, लेकिन मैं कोर्ट की इस बात से असहमत हूं कि जब वो ये कहता है कि कुरान में चूंकि नहीं है इसलिए एसेंशियल पार्ट नहीं है, मैं कहता हूं कि कुरान इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कुरान भी संविधान का हिस्सा नहीं है। जब सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो कुरानिक प्रैक्टिस मस्ट बी इनसाइड ऑफ योर हाउस, इट कैन नॉट बी इन इन्फोर्समेंट इन इंडिया आउटसाइड ऑफ योर हाउस, आउटसाइड ऑफ योर बॉडी, आपके शरीर के बाहर नहीं, जितना है वो शरीर के अंदर पी जाओ, जितना है घर के अंदर पी जाओ, उसको देश को मत दिखाओ। देश में सेकुलरिज्म का मतलब ये होगा कि पुलिस को, दूसरे व्यक्ति को आपका मजहब समझ में नहीं आना चाहिए, और आपका मजहब अगर दूसरे को दिखाई दे रहा है तो फिर वो सेकुलरिज्म कैसा है? ये सवाल मैं उनसे करता हूं, लोगों से करता हूं। इसलिए हालांकि कोर्ट ने बहुत लंबी रीजनिंग दी है, लंबा जजमेंट है, और कोर्ट ने, मुझे लगता है कि अभी तक के जितने प्रश्न देश में उठ रहे थे, कई हाईकोर्ट ने छोटे छोटे ऑर्डर किए, उन पर सब पर एक बड़ी डिटेल्ड रूलिंग देकर सुप्रीम कोर्ट अगर ये जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि हमने ये रिसर्च वर्क आपको दिया है, इस रिसर्च वर्क के आधार पर हिजाब अनुमति नहीं दी जा सकती या कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस अनुमति नहीं दी जा सकती। मुझे लगता है कि कोर्ट का अच्छा जजमेंट है, और जिस बात पर मैं असहमत था वो भी मैंने बताने की कोशिश की है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।